तो हेलो जान सन जानिस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो मतलब कंटिन्यू ब्लॉगिंग का थोड़ा भूत चढ़ा है ना सर पे, तो कंटिन्यू ब्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। मतलब थोड़े दिन में एग्ज़ाम है, एक दो दिन में एग्ज़ाम है, फिर एग्ज़ाम की वजह से फिर थोड़ा डिले होगा, लेकिन मैं कंटिन्यू आज से डालने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाह तो कंटिन्यू डालने की कोशिश करूँगा। तो आज का प्लान बड़ा ही मज़ेदार है। अब फ़िलहाल भाई के साथ बाहर आया हूँ, फिर हमारे जो रिसेंटली भाई ने यूट्यूब चैनल शुरू किया है उनका कॉल आया तो जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा थोड़ा घूमेंगे, सेकंड वीडियो शूट होगी उनकी, थोड़ा उनके लिए भी शूट करेंगे। मतलब नए हैं यार, नए हैं उन्होंने, तो उनके लिए थोड़ा स्टार्टिंग में उनको सब टिप्स वगैरह देने का, फिर बाद में उनके साथ जा रहा हूँ। मॉन्यूमेंट वगैरह कहीं जाने का बोले वो, तो वहाँ जा रहा हूँ। अब फ़िलहाल भाई के साथ बाहर आया हूँ, अब यहाँ से डायरेक्ट घर जाके वहाँ से वहाँ जाऊँगा, तो आपको वहीं पर मिलता हूँ। तो यार गाइज, आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है इधारा परफ्यूम्स ने। मतलब आजकल का परफ्यूम इत्र वगैरह बहुत सा यूज़ करते हैं, मतलब खास करके हमारे जनरेशन, मतलब हमारे एज के जो भी लोग होते हैं अडल्ट्स, बड़े लोग भी यूज़ करते हैं। तो इधारा परफ्यूम्स बीजापुर में, अगर आप लोकल रहते हो कहाँ भी, मतलब मेरी वीडियो ज़्यादातर लोकल ही देखते हैं, तो इधारा परफ्यूम्स ने आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है। उनके पास अल नयूम्स, अलमास, मतलब जो भी ब्रांड्स हैं उनके अत्तर इत्तर्स और परफ्यूम्स अवेलेबल हैं। मतलब मैं पर्सनली फिगो यूज़ करता हूँ और डीड्स यूज़ करता हूँ, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। इधारा परफ्यूम्स का मैं इंस्टाग्राम पेज यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, तो आप फॉलो कीजिए, उनको कॉन्टैक्ट कीजिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका इंस्टाग्राम का पेज दे दूँगा, तो आप उनके बात कीजिए। बाकी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आते रहते हैं। रिसेंटली एक 7 अक्टूबर को उनका स्पेशल ऑफर ख़त्म हो गया है, मतलब लेट हो गया थोड़ा बताने में, आगे भी ऑफर आते रहते हैं, तो उनके साथ टच में रहिएगा। तो बस इतना ही, चलिए अंदर चलते हैं। मतलब भाई ने ना फुल लेट कर दिया है, लिटरली बंद होने को आ गया है। कौन तेरे जी सीट ना है ना, तू लेट करता है ना, हमें लेट आते है, सब सिंपल हिसाब बराबर। पहली वीडियो में मैं लेट करा था। तो ये है गगन महल, बाकी भाई का भी ब्लॉग शूट करेंगे। मैं ना मतलब बात नहीं कर रहा है, सब कुछ नहीं, यहाँ पब्लिक है, खास करके भाई वुमेन तो बाकी पब्लिक होते हैं, भाई का वीडियो शूट करते हैं, मैं ही शूट कर रहा हूँ सबसे। तो यार गाइज, मतलब भाई ने बहुत लेट कर दी, उनसे थोड़ी बहुत परमिशन लिया हमने। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, व्यू दिखाता हूँ, मतलब बात नहीं कर सकूँगा, जल्दी जल्दी क्लिप लेके जाओ बोले उन्हों। तो हम चलते हैं, भाई का भी अभी वीडियो शूट करना है। मतलब लिटरली वहाँ से हमको है ना भगा दिया, तो हम यहाँ पे आके शूट कर रहे हैं। मतलब बीच में ना बाउंड्री है और पानी है बीच में, यहाँ पे नॉर्मली शायद मुझे नहीं लगता यहाँ पे वो आएगा। बाकी पेड़ ज़बरदस्त है यहाँ के, देखिए मतलब लोकेशन बहुत अच्छी है। मतलब गगन महल, तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपके सामने बयान करते हैं। आपको जो मैंने कमान दिखाई, मतलब उसका अराउंड मतलब जो लेंथ है वो 60 फीट कुछ तो है, बाकी आदिल शाह के ज़माने में 15th century में कुछ बना था वो, 15 या 16 पता नहीं, गूगल कर लेना। वैसे गूगल ने सस्ते नशे किए थे। मैंने कहा जब गूगल को मैंने गगन महल के बारे में पूछा और गगन महल के बारे में सर्च किया, तो गूगल भी लाइक आपके नज़दीक एक एयरपोर्ट है गोवा में, आप वहाँ से गगन महल जा सकते हैं। मैं खुद बीजापुर में रहता हूँ, मेरे घर के बाजू है ये, मैं एयरपोर्ट जाना चाहिए इसके लिए। मतलब यार हद है यार गूगल। हालांकि मेरी लोकेशन जो ऑन थी, तो मजाक से हट के यहाँ आए थे भाई के ब्लॉग शूट के लिए, ब्लॉग शूट करते हैं। थोड़ा सीनरी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ा उसके अभी क्लिप्स ऐड कर दूँगा, देख लेना। बाकी भाई का ब्लॉग शूट करते हैं। तो
एंड मी वन डे। यार गाइज मतलब कैसा था यार, यहाँ पे भाई का वीडियो शूट किया हमने, शूट करके अब इसके अपोजिट ही आनंद महल बोल के एक प्लेस है, वहाँ पे आदिल शाह की पेंटिंग की गई है, तो आदिल शाह का थोड़ा दीदार करेंगे, दीदार करके आपसे मिलते हैं, वहीं पे आपको मिलता हूँ, वहाँ पे आपको आदिल शाह की पेंटिंग दिखाता हूँ। बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, उधर एक गार्डन है, इधर एक गार्डन है, क्लिप्स आपने देख ली होगी या फिर देख पाएंगे आगे, तो बाकी कुछ भी नहीं है ज़्यादा। गगन महल तो यार मतलब आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने कि वो क्या था कमान, मतलब वो उसे गूगल में दरबार है बोल के मेंशन किया गया है, लेकिन जहाँ तक हमारी नेटिव लैंग्वेजेस में हमने सुना है यहाँ पे मुजरा मतलब फंक्शंस होते थे बादशाह लोगों के, तो सामने ही आनंद महल है, आनंद महल में आपको वहाँ पर ही जा रहा हूँ मैं, वहीं पर जाके आपसे मिल रहा हूँ। तो गाइस मतलब यार यहाँ से निकल के अब आनंद महल जा रहे हैं, ये अदौलत महल मतलब यहाँ डीसी साहब का घर है, बाकी वहाँ पे है आनंद महल, तो वहीं पे चलते हैं, कुछ ज़्यादा प्लान नहीं है, चलिए वहीं पे चल के आपसे मिलता हूँ। तो यार गाइस रीच द आनंद महल, आनंद महल को चलते हैं, मतलब ये रहा सामने, मुझे लगता है वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ तो भी कर रहे हैं शायद, तो चलिए देखते हैं। आ जा भाई, मतलब यार ये भी शाही मंजिल है, शाही इमारत है, बाकी वहाँ पे कोई चीज़ की ऑफिस है मुझे उतना पता नहीं किसकी ऑफिस है वो। यहाँ पे ये प्रिजन नहीं है, गलत मत समझिएगा, बाकी ये रहा आनंद महल, इसकी भी कुछ हिस्ट्री आपको बताएंगे आगे, आपको अंदर ले जाके दिखाता हूँ, तो चलिए अंदर चलते हैं। बाकी यहाँ पे स्टेज है फंक्शंस के लिए, ऊपर चलते हैं भाई। सो यार गाइज दिस इज आनंद महल, मेरे ख्याल से शायद पेंटिंग वर्क चल रहा है, पेंटिंग का काम, तो या हियर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है ज़्यादातर, बाकी एक बार आपको पूरा कंप्लीट इमारत दिखाता हूँ। तो गाइस बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, वर्क इन प्रोग्रेस है, पहले यहाँ पे लाइटिंग वगैरह कुछ किए थे, तो हमारे आदिल शाह साहब को देखते हैं। ये आदिल शाह की पिक्चर है, मुझे नहीं पता अली आदिल शाह है या इब्राहिम आदिल शाह, तो भाई क्या कर रहे हो यार, कैच कैच खेल रहे हो, खेलो। तो बाकी यार मतलब गाइज आप ये शूट करने से पहले हम यहाँ पे आए थे, आपको पता है मतलब लिटरली ये जो रूम है यहाँ पे वैसे तो कुछ नहीं है, सब काम चल रहा है, लेकिन हमने जब इस प्लेस पे खड़े होकर जब सीधा हमने देखा तो मतलब आपको वहाँ पे ये दिख रहा है थोड़ा सा गैप, हम ना मतलब जो आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा वो एक शेडो टाइप ऐसा ब्लैक शेडो टाइप हो गया है लिटरली, वो देख के हम दोनों भागे थे यहाँ से, फिर वापस आए क्या था वो देखने के लिए,
यार वो कुछ पेंट है या फिर दाग बैठा है मुझे नहीं पता, लेकिन लिटरली हम उसे देख के डर गए थे किसकी शर्ट है। भाई भी लाइक नन आ गई, नन चलो भागते हैं। तो बस कुछ भी नहीं, बस इतनी है इमारत, ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ना ही कुछ भी नहीं है आज के ऑडियो में, बस इतना ही। बाकी बाहर थोड़ा कुछ पासपोर्ट वगैरह खा के घर चले जाएंगे। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।